तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये एक छोटा वीडियो है, बेसिकली स्टीम ओएस जो 2.0 है, बीटा वर्जन है अभी जो फिलहाल रिलीज हुआ है, वो आप इंस्टॉल ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक बेसिकली क्विक वीडियो था कि मतलब आपको वार्न करने के लिए कि मतलब स्टीम ओएस 2.0 बीटा वर्जन ना इंस्टॉल करें। इसका मेन रीज़न है कि मतलब उसमें इतना सारा बग्स है, क्या बताएं। मतलब हम आपको शुरुआत से बताते हैं, हम स्टीम ओएस 2.0 का जो है सो आईएसओ डाउनलोड किए, उसको उसको जो है सो यूएसबी फ्लैश किए, उसके बाद उस यूएसबी से स्टिक की मदद से उसको हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल किए। जब इंस्टॉल कर लिए उसके बाद उसको बूट किए, तो जब बूट किए तो उसमें आना चाहिए ना कि मतलब लैंग्वेज सेलेक्शन, लोकेशन सेलेक्शन इत्यादि, मतलब ऐसे करके कुछ कुछ जो आते रहता है, मतलब और भी बहुत सारा पासवर्ड सेट करने वाला, ये सब मतलब सेटअप विजार्ड जो होता है वो आना चाहिए, वो नहीं आया। डायरेक्ट सिस्टम पहले बूट हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम सीधे खुल गया। चलो हम कहेंगे यार चलो कोई बात नहीं, सिस्टम खुल तो गया, एटलीस्ट हो सकता है इसमें सेटअप विजार्ड होगा ही नहीं, तो उसके बाद ऐसा लगा। लेकिन उसके बाद हम कहें ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिक क्रैश हो गया, बंद हो गया अपने आप। और उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, फिर से रीस्टार्ट किया, फिर से स्टार्ट हो गया, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, ऐसा क्रैश हुआ, उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ। उसके बाद ऑन करते थे उसके बाद लटक जाता था आधे पे जाके, और पता नहीं क्या क्या एरर से बोल रहा था। तो बेसिकली अगर आपको जानना है इसके बारे में वैसे हम वीडियो बनाए नहीं हैं, क्योंकि हाँ इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये एक वार्निंग था कि बीटा वर्जन जो है ना डाउनलोड करें। जब वो स्टेबल हो जाए, जब वो स्टेबल वर्जन आ जाए तब जाके आप उसको डाउनलोड करें, ये बेहतर होगा। और बीटा वर्जन जो है सो उसको डाउनलोड ना करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो धन्यवाद, पीस।